नमस्कार साथियों, मैं जनाब शेख तिवारी रक्षा अकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव किसके, कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 के, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे आगे के 20 क्वेश्चन की। जैसे पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने ये जाना था कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे न ज़्यादा मॉडरेट थे। आज जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आपका इंटरनेट वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपने हमारा रक्षा अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल MPPSC 2019 का रिजल्ट आ चुका है और अब बहुत ही जल्द आने वाले समय में 2020 का नोटिफिकेशन भी अचानक से आ सकता है। तो अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव लगाना और इस क्लास को देखना कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि जहां पर कोई दूसरी कोचिंग नहीं ध्यान दे रही है उस पोर्शन पे हम ध्यान दे रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको करंट अफेयर मतलब यूनिट 8 के, साइंस मतलब यूनिट 7 के, और आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला जो पोर्शन है यूनिट 9 के ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूं, और पिछले कुछ क्लासेस में कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे अक्टूबर का अब करंट अफेयर से दो टॉपिक बचे हैं, एक इकोनॉमी वाला बचा है और एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार बचा है। उसके बाद हम नवंबर के करंट अफेयर की तरफ चलेंगे, नवंबर के बाद हम दिसंबर में, दिसंबर के पहले हम सितंबर में, इस तरीके से हम करंट अफेयर भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम यूनिट 7 के भी ऑब्जेक्टिव लगाएंगे अभी, और ये क्लास अब रेगुलर हो चुकी होगी, और यूनिट 8 और यूनिट 9 की। तो हम अब ऑब्जेक्टिव रिजल्ट आने के बाद अब हम और थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं और ऑब्जेक्टिव अब आपके कंटिन्यू रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव की क्लास डेली 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर के मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के टॉप 20 क्वेश्चंस, और हमारा जो बैच चल रहा है टॉप 100 वाला, अगर आपने उसको नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि उस पे हमने 70% कोर्स कंप्लीट करा दिया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसकी कीमत 14,999 रुपए है, जिस पर आप आर्य अभिषेक सर का कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनके आंसर्स होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, मतलब हम जो इंटरनेट कनेक्शन सेवा हमें प्रोवाइड की जाती है भारत में, उसमें से स्पीड के मामले में सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकंड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DSL बोलते हैं, लीज्ड लाइन मतलब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो आप लाइन अपने लिए प्राइवेट रूप से लेते हो, डायल अप सर्विस के लिए भी आपने सुना होगा इंटरनेट के लिए कंप्यूटर में होता है, और केबल मॉडेम। तो इनमें से सबसे धीमी स्पीड किसकी होती है, डायल अप सर्विस की होती है, क्योंकि ये एक मोबाइल नेटवर्क या पुराने जमाने के ट्रेडिशनल नेटवर्क पर चलने वाला इंटरनेट सेवा थी। आज की डेट पे जो हम यूज करते हैं या तो लीज लाइन यूज करते हैं या DSL यूज करते हैं या फिर हम केबल मॉडेम का प्रयोग करते हैं, इनकी स्पीड एज कंपेयर टू बहुत ज्यादा होती है डायल अप से। तो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा किसकी है, डायल अप सर्विस की है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, प्रथम पृष्ठ जो समानता है आपके वेबसाइट पर दिखता है उस वह होता है और इसे क्या कहा जाता है। तो देखो, प्रथम पृष्ठ जब हम इंटरनेट सर्विस को, जब हम गूगल वेब ब्राउजर खोलते हैं, सपोज करो गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम के सबसे पहला पेज खुलता है, उस सबसे पहले पेज को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम जान लें। तो सबसे पहला पेज जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, होम पृष्ठ कहलाता है, और होम पृष्ठ मतलब गृह पृष्ठ, तो जिसे हम होम पेज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं, समझाना चाहूं तो किस प्रकार से, तो आप समझो थोड़ा सा इस, एक मिनट आप समझो इसको। जैसे मैंने एक वेब ब्राउजर खोला, अब आपका जो ये वेब ब्राउजर खुला हुआ है, इस वेब ब्राउजर में आपका देखो ये जो पेज खुला आपके सामने, जब आपने वेब ब्राउजर पे क्लिक किया तो सबसे पहले जो ये पेज आया है, ये पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। उस पर ये जो बार कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सर्च बार कहलाता है, याद रखना।
उसके बाद नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर जो ये वाला भाग होता है जिस पे मैं डॉट कर रहा हूँ, ये कहलाता है टैब बार, जिसपे आप जितनी भी टैब्स खोलना चाहो खोल सकते हो प्लस करके। उसके बाद ये आपका कहलाता है, जो ये ब्लैंक वाला भाग है ये आपका कहलाता है यूआरएल बार। इसी यूआरएल बार में यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आपका बैक बटन, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका फॉरवर्ड बटन, और ये जो गोल सा दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। समझो, चीजों को समझो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और इन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। तो क्या क्या हो गया, ये जो भाग कहलाया ये आपका कहलाया क्या, सर्च बार। ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाया वो कहलाया टैब बार। उसके बाद आपका जो ये वाला हिस्सा होता है ये वाला यूआरएल बार हो गया। इसके बाद आपका ये बैकवर्ड हो गया, बैक बटन हो गई, ये फॉरवर्ड हो गई, ये क्या हो गई, रेफरेंस बटन हो गई। इस कॉर्नर पर आओ तो ये जो कॉर्नर आपका दिख रहा है ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज बटन है। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम लिखे हैं, तो ये आपकी कहलाती है बुक मार्क बार। बुक मार्क्स बार कहलाती है, जहां पर जो साइट आप रेगुलर यूज करते हो वो फेवरेट साइट्स आप कहाँ पे रखते हो, इसी बुक मार्क पर फेवरेट करते हो, किसके माध्यम से, ये जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये एक, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, ये स्टार किसके लिए है, बुकमार्क के फेवरेट के लिए। तो आपका एक जो वेबसाइट होती है, जब आप कोई वेब ब्राउजर खोलते हो तो जो सामने दिखता है वो होम पेज होता है, उसके बाद उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पार्ट्स पर क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी जब मैं वेब ब्राउजर पढ़ाऊंगा, इंटरनेट पढ़ाऊंगा, तो उस पर ये चीजें क्लियर भी करूंगा। एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि ये इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन क्या था उसको समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड मैं इसे रफ कर दूं तो क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रथम पृष्ठ जो समानता आप वेबसाइट में देखते हैं वह होता है, तो वह क्या कहलाता है, वह होम पेज कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, होम पेज होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है, तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, होम पेज की ही संज्ञा देते हैं, और ये भी आंसर क्या होगा, होम पेज ही होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर चार है। क्वेश्चन नंबर चार आपसे क्या पूछ रहा है, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका। तो अभी अभी पढ़ाया था कि जो भी वेबसाइट आपकी फेवरेट होती है उसको आप क्या करते हो, बुकमार्क कर देते हो, तो वो तरीका क्या कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है। उसके बाद अगले उस पे चले तो क्वेश्चन नंबर पांच है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो देखो जो इंटरनेट सिस्टम होता है आपका, वो इंटरनेट सिस्टम आपका पहले तो ये बस या रिंग या स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करता था, लेकिन आज की डेट पे ये किसका प्रयोग करता है, ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। और इसका आंसर क्या होगा, ट्री टोपोलॉजी होगा। तो ट्री क्यों होगा, देखो ट्री में क्या होता है, जैसे पेड़ होता है तो एक मेन रूट हो गया, मेन रूट के बाद उसकी क्या बनती चली गई, ब्रांचेस बनती चली गई, इन ब्रांचेस के भी एक और अलग से ब्रांचेस बनती चली गई। तो इस तरीके से हम पूरे इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इसको भी हम सब समझेंगे अभी कंप्यूटर नेटवर्क में। इंटरनेट कार्य करता है, इंटरनेट कार्य किस पर करता है, तो इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पे, केवल पैकेट स्विचिंग पे, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पे, या उपरोक्त में से किसी नहीं पे। तो इंटरनेट कार्य करता है पैकेट स्विचिंग पे, और आपकी जो कॉलिंग कार्य करती है, मतलब जो आप फोन लगाते हो, मोबाइल कम्युनिकेशन करते हो, वो पहले किस पर था, सर्किट स्विचिंग पे था, आज वो किस पर है, पैकेट स्विचिंग पे। इसीलिए हम एक साथ बात करते हुए वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग का। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है कि जब हम बहुत सारे लार्ज अमाउंट का जो डेटा है उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे उसके डेटा ग्राम्स बना देते हैं, मतलब
पार्ट्स बना देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। और इसके लिए जैसे आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं, तो आपके जब आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो तो आपको लिखा मिलता है 5 kbps या फिर 10 kbps या फिर 15 kbps की स्पीड मिलती है, या फिर आप देखते हो 5 mbps की या 150 mbps की। तो ये जो स्पीड मिल रही है, यही एक सेकंड में आपने कितना डेटा लिया, 5 kb डाउनलोड हुआ। तो ये जो 5 kb, 15 kb, 10 kb है, छोटे छोटे डेटा ग्राम्स के पैकेट है। और इन्हीं पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, तो इंटरनेट किस पर कार्य करता है, पैकेट स्विचिंग पे कार्य करता है। इस सब सारी चीजें जो हैं इनको हम अभी क्लास में समझेंगे, और कुछ चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी क्लास में। तो आपने अगर जो कि आपका MPPSC 2020 का जो बैच है उसमें मैं ये चीजें कंप्लीट करा रहा हूँ, और नहीं अभी कराना भी है मुझे, क्लासेस रेगुलर अपडेट हो रही हैं। तो अगर आपने अभी भी कोर्स नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि हम और कोचिंग से बहुत ज्यादा आगे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था, एमएस डॉस सबसे पहले कब आया था? देखो डॉस तो सबसे पहले आ चुका था, IBM कंपनी ने बनाया था, लेकिन एमएस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डिजाइन किया था किसने, बिल गेट्स ने, वो कब आया था? वो आया था 1981 अगस्त में। तो अगस्त 1981 में एमएस डॉस आया था, जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चले तो ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या अंतर है। तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट पर प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई 2.4 से लेकर 5 आवृत्ति पट पर प्रयोग होता है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल प्रयोग करता है। जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होता है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। इस संदर्भ में ए तथा बी दोनों कथन सही है। तो इसमें से यह बताना है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से ब्लूटूथ और वाईफाई को समझाता है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 8 का ए, क्योंकि पहला वाला ही आपका सही है, बाकी चारों के चारों आपके गलत है, बाकी बचे तीनों आपके गलत है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। तो इस पर भी देखते हैं तो ये क्या है। तो देखो ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है, तो ब्लूटूथ 2.4 तो सेम क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। तो हम समय खराब नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 10, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो गूगल द्वारा जो फ्री वाईफाई दिया जाता है, पब्लिक वाईफाई दिया जाता है, उसको प्रदान करने वाला मतलब उसको प्रोवाइड करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई रेलवे स्टेशन या नई दिल्ली हावड़ा। तो सबसे पहले कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा मुंबई सेंट्रल, जिसने रेलटेल कंपनी रेलटेल के साथ समझौता कर इस रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सुविधा प्रदान करता है पब्लिक के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाल ही के समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो लाईफाई के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि लाईफाई मतलब क्या होता है, क्या होता है, लाइट फिडेलिटी, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। हाँ बिल्कुल सही, प्रकाश के माध्यम से प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडेलिटी। और लाइट फिडेलिटी वह तकनीक है जिसपे हम सिग्नल प्रकाश के माध्यम से भेजते हैं, प्रकाश की स्पीड गति तेज होती है, तो यहाँ पर भी स्पीड तेज होगी, ऑब्वियस सी बात है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी और वाईफाई गुना से कई गुना तेजता था, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही
कथन सही नहीं है। लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है, बिल्कुल। भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफाई द्वारा 10 GB/s डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो इसमें से जो आपका गलत क्वेश्चन है वो है बी और डी, मतलब कि एक ये वाला ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग क्यों करोगे जबकि एक बेतार नेटवर्क है। तो पहला वाला ये भी गलत है और दूसरा वाला ये भी गलत है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो इसके सही आंसर्स क्या है, केवल ए और केवल सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। 12 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है सभी नेटवर्क को जो सूचना संकलित का सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है भारत में जो कि कंप्यूटर व्यवस्था का एक रूप है जो सभी को कनेक्ट करता है और जोड़ता है। तो इसमें कौन सा है, निकनेट। और इसके बारे में मैंने ई गवर्नेंस में पढ़ा चुका हूँ। तो यदि आपने ई गवर्नेंस की क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाके ई गवर्नेंस की क्लास देखिए, वहां पर मैंने बताया। तो अब जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा वो मिक्स ऑब्जेक्टिव होंगे, सभी चीजों से रिलेटेड होंगे। और जल्द ही मेरे कोर्स में, अब मतलब MBPSC टॉप 100 कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर आपने वो कोर्स नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का वेल सिलेबस मतलब पूरी तरीके से आपकी यूनिट 9 जो कि कहीं पर किसी भी तरीके से नहीं है, उसके नोट्स, उसके ऑब्जेक्टिव और साथ में उसकी सभी सारी क्लासेस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। मुश्किल से 8 या 10 क्लासेस रिमेनिंग है और 8 और 10 क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होंगी तो पूरा का पूरा आपका यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं खरीदा है कोर्स तो खरीद लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से अन्य सभी यूनिट का भी हाल है, ये सारी यूनिट कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट, आभासी निजी परिपथ मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक के माध्यम से कंप्यूटर संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। उपयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि एक निजी इंटरनेट पर मतलब कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। जैसे मैं अगर बात करूं तो इस कमरे में, जिस कमरे में मैं आपको से क्लास ले रहा हूं, इसमें आपके कंप्यूटर भी हैं, मोबाइल भी हैं, प्रिंटर भी है, सारी चीजें हैं और इनको मैंने एक नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट कर रखा है जिससे मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का संचार या सूचना का संचार कर सकूं। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसमें कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, सिर्फ वही जुड़ सकता है जिसको मैं पासवर्ड दूंगा या चाहूंगा कि वो इस नेटवर्क से जुड़े, जिसके साथ मैं डेटा का आदान प्रदान कर सकूं। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसीलिए इसका आंसर बी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है। तो हमेशा याद रखो कि सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद होती है डेटा लेयर। अब ये होता क्या है, तो जो आप TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ते हो जिसके माध्यम से हम डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसमें चार टोटल कितनी लेयर होती है, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। तो ये जो 7 लेयर है तो इसमें दोनों में जो सबसे नीचे की लेयर होती है फिजिकल के बाद होती है डेटा लिंक और डेटा लिंक के बाद होती है नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी होगी, बीच में डेटा लिंक लेयर होगी। इसका आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, तलाश क्या है। एक नौसैनिक वायुयान, एक हाल ही में विकसित प्रक्षेपास्त्र, इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल, ताकि एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित एक कम मूल्य वाला PC आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं बताऊं तो ये एक मल्टीमीडिया
पोर्टल है जहां पर हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, और इसको बनाया गया था, सीडैक ने बनाया था, यह भारत का एक सर्च इंजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सी, इंटरनेट पर एक। फिर उसके बाद पहचान प्लेटफॉर्म आधार एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसका अभिप्राय क्या है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, आयरिस का प्रयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। बिल्कुल, इसमें जो दोनों चीजें हैं तो इसमें दोनों किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। आप आधार का जब यूज करते हो तो आप, जरूरी थोड़ी है कि वो आधार जो आप यूज करते हो वो आप किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी माध्यम से यूज करते हो, वो आप किसी भी एक कंप्यूटर से यूज करते हो, आप किसी भी कंप्यूटर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके आधार को ओपन कर सकते हो। आयरिस मतलब बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ओटीपी की जरूरत होती है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास बायोमेट्रिक डेटा है तो आप बायोमेट्रिक से उसे ओपन कर सकते हो। मतलब दोनों चीजें सही हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं अवरोध त्रिकाल नयन। तो कौन सा कहलाता है, वो नयन कहलाता है। और नयन में क्या किया गया है, नयन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जितने भी मसले होते हैं, जितनी भी सुरक्षाएं होती हैं, उनको सबको प्रोवाइड करता है और देखरेख करता है, जिसका नयन का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। तो क्या हो जाएगा, नयन, NAYAN। तो इसका हम बोल सकते हैं नेटवर्क अभिगम, इसका फुल फॉर्म जो होता है याद रखना, नेटवर्क अभिगम नियंत्रण, इसका फुल फॉर्म होता है, और यही इसका आंसर भी होगा, नयन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, और ये MPPSC 2019 प्री का एक क्वेश्चन भी था जो मैंने पढ़ाया था उस समय ऑफलाइन में, और आया था इस बार भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पेपर में मिलेंगे, क्योंकि 2019 में मैंने जितने ऑब्जेक्टिव कराए थे, जितना सिलेबस पढ़ाया था कंप्यूटर से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन एज इट इज आए थे जो मैंने बताए थे। तो यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ, ये पिछली बार आ चुका है कि भारत साइबर तो सेवा प्रदाता डेटा सेंटर कॉरपोरेट निकाय बॉडी, तो जो साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना है वो सभी के लिए लागू होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर 1, 2, 3, साइबर सिक्योरिटी में सभी आते हैं। पहला साइबर लॉ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो कौन सा साइबर लॉ था, ई कॉमर्स में पढ़ा चुका हूं, उसमें बता चुका हूं कि ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा किसके अंतर्गत बनाया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत। तो आज की क्लास में इतना ही, ये 20 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मिक्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अर्थशास्त्र के करंट अफेयर्स से, जो कि अक्टूबर माह का होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके अक्टूबर माह के लास्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में, जो कि आपके यूनिट 8 का एक पोर्शन है। उसके बाद हम चलेंगे साइंस के 2 लेक्चर्स लेकर, साइंस के करीब 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भौतिकी के, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम नवंबर का करंट अफेयर सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस रहेंगी, हम वीकली में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और मेरी जो ऑब्जेक्टिव की क्लास है ये सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे रेगुलर रहेंगी, बाकी सारी क्लासेस इवनिंग में रहेंगी। जल्द ही उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा एक बार फिर से, बीच में कुछ कारणवश क्लासेस नहीं थी, अब फिर से क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। तो आज इसी उम्मीद के साथ कि आप इस क्लास को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, यदि मेरी मेहनत और हमारी एकेडमी में जो टीम है उसकी मेहनत, उनकी मेहनत आपको लगता है कि जायज है, तो आप जरूर ही रक्षा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।